नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब। मैं हूं अनिंद्य चक्रवर्ती। दोस्तों, आपने अगर ये थंबनेल पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देखने आए तो आपको पता होगा कि ये शो राहुल गांधी पर है। और आप पूछेंगे कि राहुल गांधी के साथ ये इकोनॉमी का क्या लेना देना है। बहुत गहरा संपर्क है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का जो सबसे बड़ा नेता होता है, जो टॉप लीडर होता है, वो किस लीडर को ऊपर लाता है, किसको पार्टी से बाहर ले जाता है, किसको पार्टी के अंदर लाता है, इससे हमें पता चलता है कि उस नेता का और उस पार्टी का किस तरफ झुकाव है। क्या ये फ्री मार्केट, जिसको हम कहते हैं, जो कि निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट, इनके फायदे के लिए जो नीतियाँ होती है, या जो सरकार का रोल ज़्यादा रहे इकोनॉमी में, किस तरफ इनका झुकाव है। और आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो हुआ है कांग्रेस पार्टी में, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि बड़े नेता थे पंजाब में कांग्रेस के, वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, वो अमित शाह से मिलने ज़रूर गए थे। और दूसरी तरफ पार्टी में अंदर आए हैं दो युवा वामपंथी नेता, आप कह सकते हैं। एक है कन्हैया कुमार, जो JNU के CPI से कांग्रेस में आए हैं, और दूसरे हैं जिग्नेश मेवाणी, जो कि एक गुजरात से इंडिपेंडेंट MLA हैं, लेकिन वो कांग्रेस के साथ अब आ गए और वो साफ कह रहे हैं कि अगला जो चुनाव है वो कांग्रेस के टिकट में पर ही लड़ेंगे। तो ये वामपंथी नेताओं को राहुल गांधी पार्टी में लेकर आए हैं। और जो एक तरीके से जिसको प्रिंस कहा जाता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से आप कह सकते हैं कि धकेल ही दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए पार्टी में रहने का कोई भी चारा नहीं था। दूसरी तरफ जो G23 है, 23 बड़े नेता है कांग्रेस के, अब तो 22 रह गए हैं, एक तो छोड़कर भी चले गए, उनके प्रवक्ता के तौर पे एक तरीके से कपिल सिब्बल सामने आए हैं, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, सबसे ऊपर, मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी से कई सवाल पूछे हैं, और उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, और उसके बाद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट भी किया था और थोड़ा तोड़फोड़ भी किया था वहाँ पर। तो साफ है कि जो पुराने नेता हैं, जो 2004 और 2014 के बीच में उभर कर आए थे जब UPA की सरकार थी, उनको राहुल गांधी साइडलाइन कर रहे हैं और नए लोगों को पार्टी में अंदर ला रहे हैं या उनको ज़्यादा चांस दे रहे हैं, जैसे कि चरणजीत चन्नी, जो कि पंजाब के अब मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिनको शायद पंजाब के बाहर ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। खैर, इससे हमें इकोनॉमी के बारे में क्या पता चलता है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि कांग्रेस के बारे में हम जब बात करते हैं तो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि नेहरूवियन सोशलिज्म वाली पार्टी है ना, कि नेहरू ने जो एक तरीके का साम्यवाद लागू किया था, वही पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का वही आइडियोलॉजी है। खैर, लोग भूल जाते हैं कि 1980 के दशक से पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी ने बहुत सारे उदारीकरण करे, निजीकरण किया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, और उसके बाद आप जानते हैं कि राव मनमोहन रिफॉर्म्स जो आए थे 1991 में, उदारीकरण निजीकरण के, उससे तो सबसे बड़ा हमारे देश में तय किया गया कि निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर से ही हमारे देश का विकास होगा और उन्हीं को बढ़ावा देना चाहिए। और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई है छोटे मोटे पॉलिसी छोड़कर उनका सबका जो इकोनॉमिक पॉलिसी रहा है वो वही उदारीकरण, निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर के लिए ही रहा है। राहुल गांधी एक पहले नेता हैं जो लेफ्ट के बाहर के पहले नेता हैं जो साफ कह रहे हैं कि ये सारे पॉलिसीज जो हैं इनको हमें फिर से दोबारा सोचना होगा। और वो कहते रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है। क्या UPA सरकार वो नहीं थी? राहुल गांधी वो नहीं कह पाएंगे। कहीं कहीं पे उन्होंने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में जो हम रिपोर्ट पाते हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ, वो भी पूंजीपतियों की सरकार है। एक जगह उन्होंने ये भी कहा जी 1991 में जो ज़रूरी था वो आज उसको हमें बदलना है, वो अब ख़त्म हो चुका है, वो अब काम करना बंद कर चुका है। और शायद हमें सिग्नल मिल रहा है कि इसीलिए वो लेफ्ट पार्टी से युवा नेताओं को या लेफ्टिस्ट युवा नेताओं को पार्टी में ले आ रहे हैं। ये राहुल गांधी का एक लेफ्ट टर्न है, और ये लेफ्ट टर्न का जो उन्होंने एक झलक हमें पहले 2019 में भी दिया था, न्याय वाला जो प्रोजेक्ट था उनका, उसको बढ़ावा देने के लिए अब आप देखेंगे कि पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनका हर वक्त
लड़ाई चलता रहेगा, क्योंकि 2004 से 2014 से जितने भी बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में उभर कर आए हैं वो सब एक तरीके से इकोनॉमिक्स पर राइट विंग है, यानी प्रो मार्केट है, प्रो कॉर्पोरेट लोग हैं, और उनके साथ राहुल गांधी ये पार्टी और चलाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको समझ आ गया कि ये जो राजनीति है प्रो कॉर्पोरेट प्रो मार्केट वाली राजनीति, उसमें बीजेपी आगे है, बीजेपी का बोलबाला है, बीजेपी को आप वहां पर नहीं हरा सकते हैं। इसलिए शायद राहुल गांधी अब वामपंथ के तरफ घिस रहे हैं। क्या ये इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं, ये तो हमें पता चलेगा बहुत दिनों बाद, अगले कुछ इलेक्शन में नहीं, ये पता चलने के लिए 5-6-7-10 साल लगेंगे। याद रखेगा कि लगभग 40-50 साल तक कांग्रेस का ही रूल था, उसके बाद बीजेपी का रूल चल रहा है, चाहे बीजेपी सत्ता से बाहर हो या ना हो, सारा जो एजेंडा है पॉलिटिक्स का वो बीजेपी तय करती है। क्या राहुल गांधी जो लेफ्ट टर्न मारे उससे कांग्रेस फिर से वापस आ सकती है डोमिनेंट पार्टी के रोल में, यही सवाल रहेगा। आज का एपिसोड यहीं तक, न्यूज क्लिक देखते रहिए और हमें शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।